x plus 2y minus 4 equals 0. x plus 2y minus 4 equals 0. 2x plus 4y minus 12. अब इसमें भी a1 b1 c1 देखिए टेस्ट करते हैं. a1 equal to 1, b1 equal to 2 and c1 equal to 2. A2 equal to 2, A2 equal to 4, A2 equal to minus 4. Okay? A1 by A2. 1 by B1 by A2. 2 by 4. C1 by C2. Minus 4 by minus 12. A1 by A2 कितना आया है? 1 by 2. B1 by A2, 1 by 2. Both are equal. But C1 by C2 is not equal. ये हो गया C1 by C2 equal to 1 by 12. 1 by 3. Here A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. Means क्या हो गया? क्या पाया? ये सेकंड सिचुएशन, यानी सेकंड सिचुएशन में क्या था? नो सॉल्यूशन. तो जब नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसमें भी हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट फाइंड, मतलब इसमें जो है हम लोग नहीं पा सकते हैं कोई भी एक्स और वाई का कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं. तो इसके लिए अब हम फिर वही मेथड से चलेंगे, लेकिन कहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद क्या एनालिसिस करेंगे उसको ही मैं बता दूँ. यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स इक्वल फोर माइनस टू वाई. बस पुटिंग द वैल्यू क्योंकि 1 से चला और 2 में गया. 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. तो इनटू x का वैल्यू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4y प्लस 4y इक्वल 12. ये दोनों कट गया. 8 इक्वल 12, ये तो नहीं इक्वल, इक्वल ही नहीं. 8 इक्वल 12, अगर इसको हम इक्वल दिखाते हैं इट इज नॉट ट्रू. ये ट्रू है ही. तो इसमें भी वही बात होगी कि कोई भी हम x या वाई का कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, और जब हम वाई का ही वैल्यू कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे तो फिर हमारा एक्स का भी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, यानी इसमें भी क्या होगा? नो सॉल्यूशन. और अगर इसी में अगर ये इक्वल हो जाता जो इसके बिफोर में मैंने बताया था, तो जब वो इक्वल था तब उसमें क्या था? मैंने इन्फिनिटी सॉल्यूशन जो ट्रू था, यानी ट्रू जब हो जाएगा तो मैंने इन्फिनिटी सॉल्यूशन. और जब यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, इट इज फॉल्स या इट इज नॉट ट्रू, देन वी कैन से दैट दीज टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो आज यही दो इक्वेशन के साथ आज मैं इसको खत्म करता हूँ. अब नेक्स्ट मीटिंग में जब मिलेंगे तो और एक आध क्वेश्चन कुछ और कराएंगे, या तो आप लोग कुछ पूछेंगे तो उसको हम बताएंगे, और उसके बाद फिर हम अगला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग करेंगे. वैसे तो ऑनलाइन में चलेगा ही, ऑनलाइन में ही जो लाइव क्लास होगा उसमें भी हमारे यहाँ तक ये सब हो गया है. अब इसके बाद या तो अगर नहीं हो पाया होगा आप लोग का बताएंगे तो फिर हम उसको करेंगे. तो इसके बाद फिर आगे जो भी और मेथड बचा है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे.
बस आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज इतना ही, उसके बाद फिर अगले मीटिंग मिलेंगे तो ठीक है। ओके Yeah.